गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा FA2 EVS का पेपर है क्लास सेकंड के लिए। डेट हमारी 21 सितंबर है। टोटल जो हमारा मार्क्स रहेगा पेपर का वो 20 मार्क्स का है। तो आपको ये पेपर करना है, ठीक है, और पेपर करके मेरे को सेंड करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो हर एक क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। फार्मर को किससे करोगे आप, वी रिसीव आवर गेस्ट कहाँ करते हो, वी कुक फूड हम कुक खाना कहाँ बनाते हैं, नीम क्या है, जैस्मिन क्या है, ठीक है, ये आपको खुद मैच करने हैं। सेकंड है सी द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो पिक्चर दिख रही है बताना है कि ये क्या है और आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लेबल दीज फूड आइटम्स एज वी फॉर वेजिटेरियन एंड एन वी फॉर नॉन वेजिटेरियन। तो आपको क्या करना है, जो आपको वेजिटेरियन फूड लगे उस पे वी और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उस पे एन वी। यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इस पे आप लिख सकते हो, ठीक है, ये तीन चीज़ें दिए हुए हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन है राइट जी फॉर गुड हैबिट्स एंड बी फॉर बैड हैबिट्स। आपको क्या करना है, जो बैड हैबिट है उनके आगे बी और जो गुड हैबिट लगे उसके आगे जी। विभा नेवर बायस फूड फ्रॉम अ कुकर। तो आपको बताना है सही बैड हैबिट है या गुड। फरदीम लाइक्स फिश, मी ऑफन ईट्स टू मच ऑफ इट। बताना है आपको बैड हैबिट है गुड है। प्रिया ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। प्रिया दिन में 6 ग्लासेस एवरी डे, 6 से 8 ग्लासेस एवरी डे पीती है। तो गुड हैबिट है बैड हैबिट है आपको बताना है। प्रियांशु नेवर ईट्स फूड इन हरी। जो प्रियांशु है वो जल्दी खाना नहीं खाता है। तो आपको बताना है गुड हैबिट है बैड हैबिट है। कन्नू ईट्स फ्रूट विदाउट वॉशिंग दैम। जो कन्नू है वो बिना फ्रूट धोए खा लेती है। तो आपको बताना है गुड हैबिट है या बैड हैबिट है। अगले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना है ब्लैंक्स, ये आपको दिए हुए हैं हिंट्स। फर्स्ट है डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्ट कोल्ड एंड रेन। तो हीट कोल्ड एंड रेन आपको बताना है किस कौन प्रोटेक्ट करता है। द फर ऑफ द शिप इज़ यूज टू मेक, जो शिप के फर होते हैं वो किस में इस्तेमाल होते हैं। पीपल हु आर इन स्पेशल जॉब्स वेयर। तो आपको बताना है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो सिल्क है वो कहाँ से मिलता है, ये आपको इसमें आपको आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे फिल कर देना है। ए डैश इज अ फ्लोटिंग हाउस। तो आपको बताना है कि फ्लोटिंग हाउस कौन सा है, तो ये आप अपने अनुसार भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर FA2 और थैंक यू।